क्या ही लग रही है भाई, देखो लिफ्ट वीडियो बना देते हैं भाई। भालू देख लिया, ये देख लिया, इतनी बड़ी बड़ी लौकी हो रखी है भाई। भाई देख रहे हो इतने बड़े बड़े पेड़ यार, आप देख सकते हो भाई कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। राउ टेंट बहुत बड़ा छोटा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। मैं आपका अपना भाई निखिल गुसर हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ियां पहाड़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और भाई धूप काफ़ी खिल चुकी है। मौसम देख सकते हो भाई आप चारों तरफ का, और यहाँ से जो हिमालय दिखती है ना वो बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ से काफ़ी बर्फ़ से ढका रहता है, तो एक बार आपको हिमालय दिखाते हैं, देन उसके बाद आपसे बात करते हैं। भाई देख रहे हो पहाड़ों में यही होता है, देखो इतनी बड़ी बड़ी लौकी हो रखी है भाई। देखा, शहरों में कुछ नहीं है भाई, जो होता है यहाँ पे नेचुरल होता है। शहरों में आप देखो भाई इंजेक्शन लगा के कोई भी चीज़ कितनी बड़ी कर देते, लेकिन ये नेचुरल है भाई, देख सकते हो आप इतनी बड़ी लौकी है ये देखिए, और एक यहाँ पे भी है। तो हमने सोचा चलो आज जंगल में चले जाते हैं, चलते हैं दोस्तों, बहुत दूर जाना है। और अभी देखिए खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी। सो मज़ा काफ़ी आने वाला है, बस जहाँ पर अच्छी अच्छी लोकेशन होगी वहाँ पर मिलते हैं आपको। बस आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाई आपने बहुत सारे ब्लॉगर देखे होंगे, तो जंगल में जाते हैं, नॉर्मल जंगल रहता है भाई, चीड़ का जंगल रहता है और देवदार का जंगल रहता है। भाई बोलते हैं कि यार काफ़ी तगड़ा जंगल है, यहाँ बाघ हो सकता है, वो हो सकता है, जबकि पेड़ बहुत घना जंगल होता है। ऐसा भी नहीं कि मतलब घना भी नहीं होता है, एक पेड़ यहाँ पर होता है, एक वहाँ पर होता है, तो मतलब सब कुछ दिख जाता है आसपास का। तो लोग वहीं पर ऐसे स्क्रिप्ट वीडियो बना देते हैं, भाई भालू देख लिया, ये देख लिया, पब्लिक को चूतिया समझते हैं, और कॉस्ट्यूम देखना भालू के जैसे किसी को पहना के, तो फिर ऐसे बोलते हैं। लेकिन भाई जो रियलिटी है उसको दिखाओ ना। अब आप अपना जंगल दिखाता हूँ तुम्हें, दिख रहा होगा बैकग्राउंड में। अब देखिए आप भाई, ऐसे जंगल है, इन्हें बोलते हैं घने जंगल, ठीक है। ये देखिए घने जंगल के बीच से ये रास्ता है और हम जा रहे हैं, और बोला जाए तो इस जंगल में बाघ बहुत कम दिखते हैं। वैसे दिखते हैं लोगों को, बट आज तक हमने यहाँ से बहुत ट्रैवल किया है, बहुत ट्रैवल किया है इस रास्ते से भाई, ट्रैक भी करते हैं इस रास्ते से, लेकिन आज तक नहीं देखा भाई, तो झूठ क्या ही बोलना। बाकी यार अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई वीडियो पर बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्त चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए भाई यहाँ पर हमें मिल गया एक गधेरा, बट ये अभी सूख रखा है भाई, देखो पानी आजकल है नहीं इनमें, क्योंकि भाई बरसात भी नहीं हो रही है। और बाकी सामने अपना दोस्त जा रहा है, ये देखिए यार जंगल का कुछ ऐसा सीन है। तो आप वीडियो में बने रहें, और कहीं पर अच्छी लोकेशन मिलती है तो वहाँ पे मिलते हैं आपको, देन बताते हैं वहाँ के बारे में भी। और अभी हम मलयाल बाट में हैं, ऐसा नाम है यहाँ का, तो अभी बहुत दूर जाना है भाई, आगे बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे आपको। तो टिल द एंड वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि तुम्हारा भाई का भी थोड़ा यार कुछ हो सके। बाकी चलिए चलते हैं। कल देखा होगा आपने तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। देखो यार चारों तरफ आपको जंगल ही नजर आएंगे, और इस जंगल के बीच से ही रास्ता जा रहा है भाई, ठीक है। सो गाइस यार बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई जाने में भी, बट यार अभी बहुत दूर जाना है, और कहाँ जाना है क्या जाना है
बस आज खाली जंगल टूर हो रहा है एक तरीके से बोला जाए तो। बस हमने सोचा घूमने चलते हैं, तो फिर निकल गए हम आराम से। और हाथ पे भाई ये भी है तराती, कल कुछ दिक्कत होगी तो काम आएगा। बाकी यार चलते हैं। भाई देख रहे हो इतने बड़े बड़े पेड़ यार, आप देख सकते हो भाई कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। वो देखो ऊपर से लेके नीचे तक 3-4 पेड़ हैं एक साथ गिरे हुए हैं भाई उधर। ओ नीचे से आए हम, इतनी खड़ी चढ़ाई है ना भाई, जो गदेरा था ना उसके बाद चढ़ाई है। और अभी देखो ऊपर आपको लास्ट तक चढ़ाई दिखाई दे रही होगी, उससे भी ऊपर जाना है भाई अभी। चलिए फिर यार चलते हैं। सो गाइज यार भाई जंगल के बीच में एक ग्राउंड है और यहाँ का नाम है विनायक। ये नीचे वाला विनायक है, मतलब छोटा विनायक है, बड़ा विनायक ऊपर है वहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर है। सो गाइज यार यहाँ तक पहुँच गए भाई, अब थोड़ा और जाना है। बाकी यार आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे टेम्परेचर क्या है। आप देख सकते हो अभी तक धूप नहीं है, पाला देख रहे हो भाई, ये देखो पाला बिल्कुल भाई ऐसा जम रखा ना। और यहाँ से जो व्यू जो लोकेशन दिखता है ना भाई, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी आँखें दंग की दंग रह जाएंगी भाई। तो वेट अ मिनट, पहले वहाँ पे पहुँच लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको भाई। सबसे पहले ये वाली पीक देखो आप, क्या मस्त लग रही है ना भाई। कैमरा अच्छा नहीं आया यार, यहीं पे मात खा देता हूँ वरना भाई इतना अच्छा दिखता ना। अब सेकंड पीक दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुको भाई। ये वाली पीक देखो आप, क्या ही लग रही है भाई, देखो वाह। अभी कैमरा साफ होता ना भाई तब दिखती ये वाली पीक एकदम खतरनाक। और ये ग्राउंड देखो आप, और यहाँ से अभी और ऊपर जाना है भाई। तो आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा भाई, इसी की बात कर रहा था। बस कैमरा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी भाई ऐसे देखो ना मज़ा आ रहा है भाई, बहुत तगड़ी पीक है यहाँ से। तो यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ लेता हूँ, अच्छी फ़ोटोज़ आएंगे तो आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर विज़िट करें पहाड़ी हम पहाड़ से। और अगर आप वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी चेक करते हो तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है, वहाँ पर आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके वहाँ विज़िट कर सकते हो। फॉलो ज़रूर कर लेना भाई। बाकी यार मिलते हैं आपको रास्ते में, थोड़ा इस चीज़ का आनंद लेते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं आपसे। ऐसा लग रहा है हम नीचे ये पहाड़ों पर, ऐसी लोकेशन पाके भाई मज़ा आ जाता है, इसलिए हमने आज चुना। और जंगल के बीचों बीच ये रोड भी है भाई, लेकिन हम काफ़ी नीचे से आए हैं और अभी हम यहाँ पर रोड पर। तो यहाँ अभी रोड बनी हुई है और हमारे गाँव तक ये अभी नहीं मिली है, लेकिन जिस दिन मिल जाएगी भाई उस दिन मज़ा आ जाएगा। अभी इस रोड की कंडीशन नहीं, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ से आ जाती हैं दूर दूर से, उधर गैरसैंण वाले भी इस साइड आते हैं कभी, अगर पूजा हुआ ग्यारी महादेव हो तो यहाँ तक आ सकते हैं। बाकी यार मज़ा आ रहा है, काफ़ी चढ़ाई करने के बाद ये रोड मिली। अब देखिए रोड की कंडीशन, वैसे जिस हिसाब से जंगल है ना भाई, रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, सही लग रहा है बिल्कुल। भाई वाह, बोलते हैं ना कि भैरवनाथ का बुलाया होगा, तो हम आज यहाँ पे पहुँच गए। हालांकि हम कुछ सामान लेने के लिए आ रखे हैं, हमें थोड़ा सा आगे जाना है उधर पहाड़ी पे, तो फिर यार फटाफट से सामान लेते हैं। और भैरव बाबा का आशीर्वाद भी ले लिया हमने, तो ये है भाई भैरव बाबा का मंदिर। अगर आपने पहले वाले मेरे ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो वो देखना, यहाँ पर भाई जब पूजा आती है लोगों की तो काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है भाई, भैरवनाथ की पूजा की जाती है। बाकी यार ये देखो आप, एक ब्यूटीफुल लोकेशन पे। और भाई इतनी अच्छी लोकेशन है ना, जंगल का ये सबसे ब्यूटीफुल वाटरफॉल होगा भाई, देख के मज़ा आ गया। आप भी देखो, ये देखो भाई क्या ही वाटरफॉल है, ऊपर से देखो ना भाई कितना पानी आ रहा है, देख रहे हो ऊपर से, और वहाँ से आके ऐसे इस तरीके से भाई। ये पानी बहुत ठंडा है यार, पिया ही नहीं जा रहा है। गाइस अभी हम जंगल में आ चुके हैं और यहाँ पर हरी भाई बना रहे हैं अभी रोड, एक तो बन चुका है इसको दोनों साइड पकाया है और अभी और बन रहे हैं, वहाँ पर भी देख सकते हो चल रही है एकदम मस्त तरीके से। पुटेन गैस लाना चाहिए था अपना, सूजी सूजी बन रही है भाई देखो। और ये है रंग रोटी हरी भाई। भाई यहाँ से क्या लोकेशन दिख रही है, आपने अभी देखा होगा, क्या ही लोकेशन दिख रहा है यहाँ से
भाई साहब अब बहुत ऊंचाई पे हूँ मैं, एक बार आपको दिखाता हूँ। देखिए भाई नीचे देख रहे हो आप कितनी गहराई है भाई, ये देखो। और ये देखो भाई बड़े बड़े विशालकाय चट्टाने, पर्वत और जंगल देखो ना आप कितना घना है भाई। दूर दूर तक आपको बस जंगल ही दिखेंगे, सामने भी आपको मकान दिखेगा वहाँ पे, जो कि काफ़ी दूर है।